तो आज मुझे है 2 किलो का केक, तो मैंने ना यहाँ पे बना के लिया है एक्चुअली। वरना बहुत लोग कमेंट करते हैं कि आप सिर्फ कटिंग दिखाते हो, फ्रॉस्टिंग दिखाते हो, डेकोरेशन नहीं दिखाते। तो इस बार मैंने सोचा कि आपके साथ प्रॉपर डेकोरेशन ही शेयर किया जाए। तो ये जो केक है ना, वो 8 इंचेस में बनाया था और वो 1.5 kg का था, और ये था 5 इंचेस वाले टीन में जो था 1/2 kg का। तो इस टाइप में मैंने वो काउंटिंग किया है, नीचे वाला 1.5 और ऊपर वाला 1/2, तो 2 किलो का केक था टोटल। तो यहाँ पे ना ये चॉकलेट गनाश है जिसको मैंने मेल्ट किया है, और हल्की सी क्रीम भी ऐड की है, और उसके ही मैंने ड्रिपिंग की है। तो जैसे ही ड्रिपिंग ख़त्म होते हैं तो मुझे शिफ्टिंग भी तो करना था ना, डबल लेयर केक था, तो मैं पैलेट नाइफ से ही शिफ्टिंग करती हूँ जैसे कि आप देख रहे हो। बहुत सारे ट्रिक्स है एक्चुअली, बहुत सारे लोग अलग अलग टाइप में शिफ्टिंग करते हैं, बट मैं इस टाइप में करती हूँ। पहले मुझे नहीं आता था ये, बट अभी लगता है कि बहुत इजी है, राइट? तो आप लोग कैसे करते हो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। उसके बाद ना ये डेकोरेशन के लिए मैंने बहुत सारे चॉकलेट्स लाए थे अलग अलग, तो उसमें बबली भी थी, डेरी मिल्क भी थे, शॉर्ट्स भी थे। तो इस बार नया मैंने ऐड यूज़ किया है, वो है चोको पाए, और उसका डेकोरेशन भी मुझे बहुत अच्छा लगा। तो सबसे पहले मैं अरेंज कर रही हूँ ये बबली। सो गाइज, आपको बताना था, कुछ चीज़ें डिस्कस करनी थी। तो जैसे कि आप लोग कस्टमाइज जब केक बनाते हो, जैसे कि हम एग्जांपल लेंगे चॉकलेट लोडेड का, जैसे कि मैं बना रही हूँ, तो ये केक था बटर स्कॉच फ्लेवर में, बट उनको डेकोरेशन चाहिए था चॉकलेट का, और वो कस्टमर की डिमांड थी, तो कस्टमर डिमांड को तो कंप्लीट करना है। तो मैंने यहाँ पे बटर स्कॉच फ्लेवर में ही केक बनाया था, बट मैंने उसको अभी डेकोरेट कर रही हूँ मैं चॉकलेट में। तो आपको एक क्वेश्चन आता है बहुत सारे लोगों को कि जो कस्टमाइज केक रहते हैं चॉकलेट लोडेड, उनका रेट कैसे डिसाइड करें, मतलब हमें कितने रेट में वो सेल करना है केक। सो गाइज, मैं बहुत इजी वे में आपको बताना चाहती हूँ, तो वीडियो आप एंड तक ज़रूर देखना, स्किप मत करना। तो जैसे कि अभी ये था बटर स्कॉच फ्लेवर में, राइट? तो बटर स्कॉच वाला फ्लेवर मेरा 1/2 kg का रहता है 350 में, राइट? तो 350 × 4 हो गए हैं 1400। तो 1400 हो गए हैं टोटल केक का रेट। अगर मुझे यहाँ पे नॉर्मल ही केक देना रहता तो मैं 1400 को सेल करती, ओके? अभी मुझे क्या करना है, उसमें बहुत सारे चॉकलेट्स ऐड करने हैं और चॉकलेट लोडेड केक बनाना है, तो मैं कितने में सेल करूँगी? सो गाइज, यहाँ पे मैंने जितना भी चॉकलेट का मटेरियल बाय किया है, छोटी छोटी चीज़ें हैं बट बहुत सारी है, तो इन सब के मिलके होते थे 250 रुपीज़, क्योंकि मैंने राउंड फिगर किया था और चॉकलेट्स ऐड करके मैंने 250 रुपीज़ के टोटल चॉकलेट्स लाए थे। अभी मुझे टोटल लगेंगे तो नहीं, उसमें से कुछ ना कुछ तो ज़रूर बचेगा, बट मैं अभी इसका चार्ज कैसे करूँगी रेट। तो मैंने जो 250 रुपीज़ मुझे लगे हैं, तो मैं मार्केट गई, मार्केट में जाके मैंने सामान खरीदा और मैं लेके आई, तो मेरा पेट्रोल भी यूज़ हुआ, मेरा टाइम भी यूज़ हुआ, राइट? तो उसका भी तो मेहनत का चार्जेस रहता है। तो अभी जैसे कि मैंने टोटल सब कुछ लाया था 250 रुपीज़ का, तो उसमें ना मैं 50% ऐड करूँगी, तो 250 के 50% होते हैं 125। तो मैंने ना मतलब 1400 प्लस 250 प्लस 125 ऐसे करके ही मुझे सेल करना है, क्योंकि आप जाके आए तो उसके आपको 50% तो लगेंगे, आपका टाइम भी स्पेंड हुआ है जाने के लिए, पेट्रोल भी लगा है। तो आप ना हमेशा इसी टाइप में कस्टमाइजेशन के चार्जेस ऐड कर सकते हो, मतलब जितना भी खर्चा आता है उसका 25% या फिर 50% आपको एक्स्ट्रा लेना है। जैसे कि 200 रहते तो मैं 100 रुपीज़ एक्स्ट्रा लेती, अभी 250 है तो मैं 125 रुपीज़ एक्स्ट्रा लूँगी, ओके? होप यू क्लियर अबाउट दिस। और हर एक कस्टमाइज केक का रेट आप ऐसे ही डिसाइड कर सकते हो, ओके? बाय।